एक बड़ी अच्छी कहावत है हमारे देश में कि जो बाप घर बनाता है एक दिन समय आने पर उस बाप को भी उस घर में जगह नहीं मिलती है। अभी कहावत किस पर फिट बैठती है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। लेकिन आज की से क्लास में हम लोग बात करेंगे मुरली मनोहर जोशी के बारे में। आपको बता दूं कि जब हम लोग बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके चाहे मुरली मनोहर जोशी साहब हो या फिर आनवानी साहब हो आपके, इनकी मेहनत और इनके संघर्ष को हम लोग नहीं भुलाया जा सकता है। आज आप देखिए जो बीजेपी खड़ी हुई है तो इनकी नींव इन्होंने ही डाली हुई थी और इन्हीं के संघर्ष की आप कह सकते हैं परिणाम है कि जो आज देश पर सत्ता है जिसकी, समझ रहे हैं आप लोग। तो मुरली मनोहर जोशी को आप लोग स्क्रीन पर सामने देख ही रहे होंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हें अगर आप लोग बीजेपी का पितृपुरुष कहें या पिता कहें तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं और जब टाइम मिलेगा तो हम लोग आनवानी साहब के बारे में भी एक सामान्य परिचय देख लेंगे। तो आप सभी जानते हैं इनका पूरा नाम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी है और आजकल आप देख रहे होंगे कि इनका पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर गए कहाँ हुए, समझ रहे हैं। आजकल ये सलाह देने के काम आ रहे हैं और इनकी सलाह कोई ले भी नहीं रहा है, मालूम ही नहीं चल रहा है। इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो 5 जनवरी 1934 को होता है, जिस समय आप देखेंगे हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे नैनीताल संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, यानी कि आप देखिए उत्तर प्रदेश को और जो आपका नैनीताल उत्तराखंड हुआ करता था इसे आप लोग संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और ब्रिटिश भारत कहने का मतलब है कि भारत पर ब्रिटिश का एक तरह से राज था, लेकिन अभी नैनीताल आपका उत्तराखंड में पड़ता है और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग मनोहर जोशी की पिता की बात करें तो स्वर्गीय मनमोहन जोशी इनके पिता का नाम और माता स्वर्गीय चंद्रा चंद्रावती जोशी इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो तरला जोशी इनकी माता का नाम, माफ करिए पत्नी की बात करें तो तरला जोशी, ठीक है, और माता की आपकी बात कर चुका हूँ चंद्रावती जोशी इनकी माता। इनके बच्चों की बात करें तो दो बेटियां हैं इनकी, एक तो आप जानते हैं निवेदिता जोशी और एक आप देखेंगे प्रियवदा जोशी इनकी दूसरी बेटी का नाम है। और आप देखेंगे कि मुरली मनोहर जोशी साहब काफी पढ़े लिखे राजनेता थे। आप देखेंगे अगर इनकी कॉलेज की बात करें तो मेरठ कॉलेज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि 12वीं के बाद आप लोगों ने बीएससी करते हैं, कोई बीए करता है, बीकॉम करता है, तो इन्होंने बीएससी भी की हुई थी, एमएससी भी की हुई थी फिजिक्स के, ठीक है, भौतिकी से, और पीएचडी भी की हुई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्होंने पीएचडी। शोधपत्र हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने वाले प्रथम शोधार्थी थे, यानी कि हिंदी भाषा में पीएचडी करने वाले भौतिकी में पहले विद्यार्थी थे, ठीक है। इनके व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति से काफी जुड़े रहे हैं और कुछ समय तक ये प्रोफेसर भी रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इन्होंने भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे हैं, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ाई हुई है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इनकी मेन पार्टी रही है और जिस समय आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया था उस समय इनका भी काफी योगदान रहा था। पसंदीदा नेता की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर इनके इनके पसंदीदा नेता रहे हैं और आजकल आप देखते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर भी काफी राजनीति होती रहती है। और मुझे लगता है कि ऐसा देखिए आप सोचिए गांधी की बात करती है कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करती है, लेकिन आपको बता दूं कि इन पार्टियों का हमारे महापुरुषों की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। आजकल एक केवल वोट बैंक का या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ही इनका नाम अपने साथ जोड़ती हैं। आप सोचिए कि सापा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी आप देखते हैं लोहिया की बात करती है, या बीएसपी मायावती की पार्टी आपने देखा होगा काशीराम की बात करती रहती है, भीमराव अम्बेडकर की बात करती रहती है, बीजेपी को देख लीजिए विनायक दामोदर सावरकर की बात करती रहती है,
या वल्लभ भाई पटेल की बात करती रहती है, लेकिन इनसे उनकी विचारधारा की तुलना करेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। आपको बता दूं कि मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण भी मिला था, कब? 2017 में। सबसे जरूरी किसी राजनेता की अगर बात होती है तो उसका राजनीतिक सफर होता है। आखिर उसने राजनीति में किस तरह से सफलता पाई हुई है, तो आपको बता दूं कि मुरली मनोहर जोशी 1944 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता बने हुए हैं। और आज आप जो प्रधानमंत्री साहब को देखते हैं ना, मोदी साहब को, ये भी आपको बता दूं कि संघ से ही निकले हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकले हुए हैं। और बीजेपी में अधिकतर नेता देखेंगे जो भी रहेंगे वो सभी संघ परिवार के ही रहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, इसके बाद वे देखेंगे राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। और युवावस्था से ही जोशी का झुकाव राजनीति की तरफ था, और 1955 में कुंभ किसान आंदोलन से मुरली मनोहर जोशी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने 1957 में भारतीय जनसंघ की सदस्यता ली, कब? 1957 में। फिर आप देखेंगे 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद जोशी पूरे सहयोग के साथ आगे आए, फिर उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 का टाइम बहुत बुरा टाइम रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े सभी राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था, हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और इस समय आप देखेंगे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद जो चुनाव होता है उसमें आप देखेंगे कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है। आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाती, वो भी लोकसभा का चुनाव हार जाती है। तो उस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रति लोगों में कम झुकाव था, नफरत थी या गुस्सा था आप कह सकते हैं, तो उसका फायदा इन लोगों को मिला। और आप देखेंगे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। फिर आप देखेंगे 1977 में मुरली मनोहर जोशी पहली बार अल्मोड़ा से सांसद के रूप में चुने गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1977 में आपकी राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है और 1977 में ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। फिर आप देखेंगे 1996 में जब 13 दिन के लिए बीजेपी की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय आप देखेंगे जोशी ने, आपके मुरली मनोहर जोशी ने देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली। और आप देखेंगे 13 दिनों के लिए गृह मंत्री रहे थे। फिर आप देखेंगे उन्होंने 16 मई 1996 को गृह मंत्री का पद संभाला था दूसरी बार, लेकिन 1 जून 1996 को सरकार गिरने की वजह से इस पद से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। और जोशी ने 3 बार इलाहाबाद से सांसद भी रहे थे और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर आप देखेंगे 2009 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं और वह वाराणसी से चुनाव लड़े और जीतते हैं, 2009 की लोकसभा चुनाव की बात करें। और फिर से बता देता हूं आपको कि लोकसभा के जो सदस्य के चुनाव होते हैं ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपको मालूम होगा कि आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा। और आप लोगों विधानसभा के चुनाव होते होंगे या लोकसभा के चुनाव होते हैं या अपने लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं उसमें आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे 15वीं लोकसभा के कार्यकाल में 1 मई 2010 को उन्हें लोक लेखांकन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि 2014 में मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी लोकसभा सीट छोड़ दी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 में बनारस से प्रधानमंत्री जो आजकल आपके हैं नरेंद्र मोदी साहब ये चुनाव लड़ते हैं, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी साहब के लिए इन्होंने वाराणसी सीट छोड़ के कानपुर सीट चुनी थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर से मनोहर जोशी साहब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। फिलहाल अभी बात करें तो जोशी सिर्फ बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, अब इनका कोई नाम भी नहीं ले रहा है और इनकी ना तो कोई मार्गदर्शक लेता है मार्गदर्शन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब बीजेपी के नेता अपने आप में काफी समझदार हैं। तो ये कहानी है आपके मुरली मनोहर जोशी। अब बात कर लेते हैं इनके विवादों की। तो बताया जाता है कि रणवीर सेना द्वारा दलित हत्याकांड में कोबरा पोस्ट की स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से
कांग्रेस के चंद्रशेखर सीपी ठाकुर और मुरली मनोहर जोशी पर उनका साथ देने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी शामिल होने का आरोप भी इन पर लगा हुआ था। और आप देखिए, उमा भारती हो या फिर चाहे आपकी मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, या फिर आप देखिए कि आपके जो आनवानी साहब हो, इन सभी पर आप देखिए कि राम मंदिर को बनाने के लिए काफी इन्होंने संघर्ष भी किया हुआ है। और जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसमें इनका नाम भी जुड़ा हुआ था। एक बात और बता दूं, देखिए बीजेपी की विचारधारा की जब बात होती है तो राम मंदिर हो, हिंदू का मामला हो, या फिर आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात हो, इनका ये चुनावी मुद्दा ही रहा है, ठीक है। और इसी कारण आप कह सकते हैं कि बीजेपी को इतनी सफलता मिली हुई थी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हीं मुद्दों के नाम पर बीजेपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक आपने देखा होगा कि 2015 में एक झूठी खबर वायरल हुई थी कि मुरली मनोहर जोशी की बड़ी बेटी की शादी शहनवाज हुसैन के साथ हुई थी। यह खबर बाद में आप देखेंगे झूठी साबित हुई, और इस खबर के कारण डॉक्टर मुरली मनोहर की जिंदगी में काफी उथल पुथल हुई थी। बाद में स्थिति को संभाला गया और लोगों की सच्चाई से रूबरू कराया गया। और मुझे लगता है कि व्हाट्सएप फेसबुक झूठी खबरें फैलाने में काफी सक्रिय रहता है, तो इसके कारण भी इनका नाम काफी उछला था या उलझा था, आपको जो भी कहना हो। तो बीजेपी के आजकल मार्गदर्शक में एक तो एक डले हुए हैं मुरली मनोहर जोशी, दूसरा नाम है आपका लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, तो उसके उनके बारे में भी हम लोग टाइम मिलते ही बात कर लेंगे। एक सामान्य जानकारी उन पर भी हम लोग बता देंगे उनके बारे में, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए, अपने राजनेताओं को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और वोट देते रहिए जो आपको पसंद आए।